हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कल एक वीडियो में हमने आपसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बातचीत कर ली थी। आज की जो बातचीत हो रही है हमारी वो उसके आगे से कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की जो बातचीत है वो आज पूरी ख़त्म करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप सभी लोग मेरे साथ, मैं यानी अमित कुमार पाल, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। कहा जा रहा है कि रहमान की जो एज आज से 3 साल पहले रही होगी और आज से 5 साल बाद जो होगी उनके रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो बस शुरू हो जाइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक बात पता है कि मान लेते हैं रहमान्स प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी एक्स, ठीक है, एक्स मान लिया आपने। अब इसको एक्स मानने के बाद में आपको मालूम है 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले इसकी एज बेटा क्या होगी, आप सभी लोग जानते हो 3 साल छोटा रहा होगा। 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद इसकी क्या एज हो जाएगी, तो वो 5 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब अगर इनका रेसिप्रोकल लिया जाए तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/2 का रेसिप्रोकल जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक। 1/2 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/1/2 यानी कि 2 होता है, बात वही है ना, बात वही है। तो उस तरह से अगर इसका रेसिप्रोकल देखा जाए 1/(x-3) होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/(x+5) होगा, और इन्हीं का सम कहा जा रहा है 1/3 के इक्वल्स है, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है। चलिए भाई, इन सारी बातों के बाद में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फ्रेम करनी है और आंसर सॉल्व करना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x+5, x-3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए x-3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट। बेटा जो लोग नए हो चैनल पे, बात जान लो, a/b और c/d अगर दिया हो तो इसको कर सकते हैं ad+bc/bd, ठीक है, ये बहुत ही आसानी से आपको आंसर दे देगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x-3 और x+5, और ये सब कुल मिला के बराबर है 1/3 के। तो 5 में से 3 चला गया, 2x आपको मिला ऊपर और 7 में 2 मिला, बटे में जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, (3) इक्वल्स टू (x)(x²+5x-3x-15, ठीक है। इस पूरी वैल्यू के साथ में 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 to the 6x+6 इक्वल्स टू (x²+5x-3x) कितना हो गया भाई, 2x और -15। यहाँ से 6x उधर जाएगा, और 6x को जब आप उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, ये आप देख सकते हो। 6 को आप उधर भेजोगे तो क्या होगा, ये भी आप देख सकते हो, यानी आप लिखेंगे x², थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। इधर से सब कुछ भेज दिया ना, तो अब इधर इक्वल्स टू 0 लिखो या इधर इक्वल्स टू 0 लिखो, बात वही है, ये मिल गई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अब इसमें आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, कंप्यूटिंग स्क्वायर लगाओ या श्रीधराचार्य फार्मूला लगाओ, हर तरह से आपको आंसर वही मिलेगा। फिलहाल मैं को फैक्टराइजेशन मेथड बड़ा कंफर्टेबल लगता है तो उसी पे आ जाता हूँ। (x²) - 7×21 और 7 - 3 = 4 (7x+3x-21) = 0, ठीक है। यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद जगह तो है ही हमारे पास अभी फिलहाल। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x कॉमन लेने के बाद में आपको पास बचेगा (x-7)+3 कॉमन लेंगे तो (x-7) = 0 और (x-7) बेटा कॉमन लोगे तो बचेगा (x+3). अब (x+3) = 0 तो (x-3) होगा, वो लिया नहीं जा सकता है ना, नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि किसी भी बंदे की एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप कहोगे (f(x+3) = 0, (x-3) है, तो रहमान की एज -3 मतलब 3 साल बाद रहमान पैदा होने वाला है अजीब सा है ना, ये नहीं हो सकता, नॉट एप्लीकेबल,
बट इफ अगर x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो तो आप कहोगे x इज इक्वल टू सेवन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रहमान की एज कितनी आ गई है, 7 years 7 साल, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं बेटा पांचवें नंबर पे, इसको देख लें आप लोग। चलिए भाई फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, एक क्लास टेस्ट में मैथ्स और इंग्लिश में शेफाली के जो मार्क्स थे उनका सम 30 है। ठीक, हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, अगर उसे गणित में मैथ्स में 2 नंबर्स ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलते तो जो उसके मार्क्स उसके नंबर्स का प्रोडक्ट यानी गुणनफल है वो 210 होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड द मार्क्स इन द 2 subjects, दोनों विषयों में उसके कितने नंबर्स हैं या वो कितने अंक हैं, ये बात आपको बता दिया। तो लेट हर मार्क्स इन मैथ्स, मैथमेटिक्स में हम लोग ने मान लिया चलिए एक्स नंबर्स हैं उसके, और आपको बेटा मालूम है कि मैथ्स और इंग्लिश में कुल मिलाकर उसको 30 मार्क्स मिले हैं, अगर मैथ्स में एक्स मिले हैं मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश में उसको 30 - x मार्क्स मिले होंगे, है ना। तो इंग्लिश का अगर निकाला जाए तो हम क्या कहेंगे, थर्टी माइनस एक्स मार्क्स मिले होंगे, तो इंग्लिश का अगर कहा जाए तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, मैथ्स में उसको मिले हैं एक्स तो इंग्लिश में मिले होंगे 30 - x, देयरफॉर हर मार्क्स इन इंग्लिश 30 - x। अगली बात ये बोली जा रही है कि मैथ्स में जो भी मार्क्स मिले अगर उनसे 2 ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में जो भी मार्क्स मिले अगर उनसे 3 कम मिलते तो जो मार्क्स होते उन्हीं का प्रोडक्ट 210 के इक्वल है, यही बोला है ना भाई जी। तो मैथ्स में अगर 2 ज़्यादा और इंग्लिश में 3 कम नंबर मिले होते, मैथ्स में 2 ज़्यादा इंग्लिश में 3 कम, अच्छा मैथ्स में मिले कितने हैं, मैथ्स में मिले हैं x, तो हम कह सकते हैं x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 कम, इंग्लिश में कितने मिले हैं भाई, इंग्लिश में मिले हैं 30 - x, तो 30 - x - 3 ये बराबर होगा 210 के, क्लियर। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि ये तो हो गया x प्लस 2 और ये 30 - 3 करेंगे बेटा कितना मिलेगा, 27 - x, ये इक्वल्स टू है 210। अब इसको सॉल्व कर लो तो 27x - x² 27x - x² प्लस 54 और -2x इज इक्वल्स टू 210, और सब कुछ इधर भेज दो क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा x², ठीक है। 27x - 2x हो गया हमारे पास में 25x, और 25x यहाँ पर लिखेगा 27x - 2x, 25x प्लस का उधर जाके माइनस का 25x, और प्लस का 54 उधर जाके 210 से माइनस होगा तो बचेगा हमारे पास में प्लस में 156, ठीक। और ये सब कुछ कुल मिला के 0 के बराबर होगा, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, क्लियर हो गया। तो माइनस वाला देख के हमने उधर भेज दिया, इधर 0 होता तो हमने उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक। अब ये हो गया x² - 25x + 156, और इस हिसाब से अगर देखा जाए, अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान दे लो, अगर कोई स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो रही तो मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। मान लीजिए ये चीज़ इधर ही है, 210 आपने इधर बुलाया तो रिजल्ट क्या बचता आपके पास में, आपके पास में बचता प्लस का 25x, माइनस का x² और माइनस का 156, यही ना। उसके बाद हम माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लेते तो प्लस जो माइनस का x² है वो प्लस का हो जाता, प्लस का वाला माइनस का हो जाता और माइनस वाला फिर प्लस हो जाता, इज इक्वल्स टू है 0, यानी x² - 25x + 156 इज इक्वल्स टू 0, बात वही है, ठीक। अब इसको ब्रेक करो, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको लगा लेते हैं, 156 से 13 × 12 कर लोगे, 13 + 12 = 25 होता है और 13 × 12 = 156 होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो वही वाला तरीका लगाएगा भाई, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 3 = 18, फिर 3 × 13 = 13, 1 + 13, ठीक है। तो 2 × 3 = 12, 12 × 13 = 25, साफ साफ दिख गया कि x² - 13x - 12x + 156 = 0। आदत में रखना, पहले बड़ा रखेंगे बाद में छोटा रखेंगे, ठीक, कोई कसम नहीं है, पहले छोटा बड़ा भी कर सकते हो लेकिन पहले बड़ा फिर छोटा रखिएगा, आसानी होगी।
एक्स है एक्स माइनस तेरह, माइनस का 12 कॉमन ले लो तो एक्स माइनस तेरह, और एक्स माइनस तेरह बेटा अगर आपने कॉमन लिया है तो आपको मिल रहा है एक्स माइनस 12 बराबर ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो कि हम कहेंगे कि अगर इंग्लिश में मैथ्स में एक्स नंबर्स हैं दोनों हमारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू इफ़ एक्स माइनस तेरह बराबर है ज़ीरो, मतलब एक्स बराबर है तेरह, एंड इफ़ एक्स माइनस बारह इज इक्वल टू जीरो है तो एक्स बराबर है बारह। ये दोनों हमारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं ना, तेरह भी हो सकता है बारह भी हो सकता है। तो अगर तेरह हम लेकर चलेंगे, तो अगर हम कहेंगे मैथ्स में तेरह मिला है तो उसको इंग्लिश में कितना मिला होगा, उसको इंग्लिश में सत्रह नंबर मिला होगा, और अगर बारह मिला है तो इंग्लिश में उसको अट्ठारह नंबर मिला होगा। ये दोनों हमारे आंसर्स की पॉसिबिलिटी है, या तो तेरह सत्रह या बारह और अट्ठारह। ठीक है भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है द डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड्स। ठीक है, डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि एक जो आयताकार खेत है उस आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई जो है वो उसकी छोटी भुजा से, छोटी भुजा होगी ना एक बड़ी और एक छोटी, रेक्टेंगल होगा तो एक लॉन्गर साइड होगी एक शॉर्टर साइड होगी, तो कह सकते हो लंबाई और चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई से 60 मीटर 60 मीटर ज़्यादा है, और इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, अगर लंबाई जो है वो चौड़ाई से 30 मीटर ज़्यादा है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, इस क्षेत्र पर इस क्षेत्र की भुजाएं बताएं। तो चलिए भाई मान लेते हैं, लेट अब मानने से पहले जरा फिगर को थ्रू इस बात को समझिएगा, ये कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है ठीक है, और ये इस फील्ड का डायगनल हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है शॉर्टर साइड अगर x मान लोगे तो डायगनल कितना हो जाएगा, डायगनल हो जाएगा x प्लस 60, और लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी x प्लस 30। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है, तो आपने क्या कहा, लेट शॉर्टर साइड छोटी भुजा जिसको हम लोग ब्रेथ के नाम से जानते हैं बी एक्स, देयरफॉर लॉन्गर साइड बी एक्स प्लस 30, एंड डायगनल जो विकर्ण है वो हो जाएगा x प्लस 60। नाउ बाय पाइथागोरस, अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस की जो थ्योरम है उस थ्योरम का रेफरेंस ले लें तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी, इसको नाम दे लो बेटा ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल ए बी सी डी में आप कह सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ए सी स्क्वायर का मतलब हुआ कि x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए बी का मतलब हुआ x प्लस 30 का स्क्वायर और प्लस बी सी यानी x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की हेल्प से ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 6 36 दो जीरो हो गए, प्लस टू ए बी यानी 2 × x × 60 यानी 62 × 120 x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म कर लीजिए या पूरी पूरी बातें लिख के सब कुछ उधर भेज देते हैं ना। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे सामने जो वैल्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो हमारे पास में है 2x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60x, इधर से भेजो किसको माइनस 120x, यहाँ पे कौन है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कौन है माइनस 3600, यहाँ पे कौन है प्लस का 900, सब कुछ लिख दिया या कुछ रह गया, सब कुछ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो वैल्यूज आपने देखी हैं इक्वल्स किसके हुई, क्योंकि हम इधर वाली सारी वैल्यूज लेके आए तो इज इक्वल्स टू ज़ीरो, या इधर लिख दें इज इक्वल्स टू ज़ीरो, बात तो वही है। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर, प्लस का 60x और माइनस का 120x यानी माइनस का 60x,
माइनस का 3600 और प्लस का 900, ठीक है, यानी कि माइनस का 2700 इक्वल्स टू जीरो। ये बन गई हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा सॉल्व कर लो फैक्टराइजेशन मेथड से, मेकिंग स्क्वायर मेथड से, या श्रीधराचार्य मेथड से, जैसी इच्छा हो। अब जो लोग इसको ब्रेक कर लेंगे 90 और 30 में, बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर पाएंगे तो 2700 को वैसे फैक्टराइज कर लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू जीरो। क्या करोगे भाई, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लिया तो x माइनस 90, और x माइनस 90 बेटा कॉमन ले लोगे तो क्या मिला, x प्लस 30, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कोई भी लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो लिखने वाले के जो तौर तरीके हैं उनको आप समझ सकते हो। यहाँ पे अगर लिखोगे आपकी इफ x प्लस 30 इज इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू बेटा माइनस 30 मिल रही है, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, एन ए है। यहाँ पर x माइनस 90 कर लोगे, इफ x माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90, और यही वैल्यू हो जाएगी, शॉर्टर साइड की लेंथ हो जाएगी 90, लॉन्गर साइड की लेंथ हो जाएगी 90 प्लस 30 एंड दैट इज 120 मीटर, और डायगनल की लेंथ हो जाएगी 90 प्लस 30 की जगह पर 90 प्लस 60, 9 × 6 = 150 मीटर, ठीक है। तो ये आपके रेस्पेक्टिव आंसर्स हो गए 90, 120 और 150। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगला क्वेश्चन, ये देखो डिस्प्ले हो रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यहाँ बेटा थोड़ी देर के लिए दो वेरिएबल ले लेना समझने के लिए केवल, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर है 7। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर जो है वो x है और सेकेंड नंबर थोड़ी देर के लिए बस मानना है इसको y, तो क्योंकि सिंगल वेरिएबल होगा ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y तो कहीं है ही नहीं, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, अच्छा इसमें एक चीज़ और लिख देना, x इज ग्रेटर देन y, तो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस आपको बोला गया है 180, पहली बात तो ये हो गई। देन द स्क्वायर ऑफ द, अब मुझे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो छोटे वाले जो छोटी वाली संख्या है उसका वर्ग बड़ी वाली संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो छोटी वाली संख्या का वर्ग यानी वाई स्क्वायर बड़ी संख्या यानी एक्स हमने बड़ा माना ना, उसके 8 गुने के बराबर यानी 8x, ठीक। अब यही वाली वैल्यू बेटा वाई स्क्वायर की 8x यहाँ डाल दो, और यहाँ जैसे ही डालोगे इक्वेशन बन जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, इसको इधर बुला लिया, बराबर जीरो, समझ में आ गया होगा, 180 लिख के कर लेते हैं भाई, ठीक है। ऐसे लिखा, और यहाँ पे क्या किया, 2 × 18 = 90 हो गया, 2 = 45 हो गया, 3 = 15 हो गया, 3 = 5 हो गया, और 5 = 1 हो गया, 8 लाना है, ठीक है। हम ऐसे ही चेक करके देखते हैं, 2 × 4 = 12 और 5 × 3 = 15 नहीं होगा, 3 × 9 = 18 और 5 × 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 = 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18x और 10x का डिफरेंस, तो x ले लिया x माइनस 18 हो गया, प्लस 10 ले लिया तो x माइनस 18 हो गया, और x माइनस 18 लिया तो x प्लस 10 बराबर 0 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लिखना शुरू कीजिएगा, इफ x इज इक्वल्स टू 18, अगर x इज इक्वल्स टू 18 है तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 18, यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यानी 18 × 144 y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √144 यानी 12, इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरे नंबर पे क्या देखना है आपको, इफ x इज इक्वल्स टू, ये x इज इक्वल टू 18 समझ में आ रहा है ना बेटा, ये दो लाइन थी, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 और y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 × 144, ठीक। अब हमने कहा कि अगर x बराबर माइनस का 10 यानी x प्लस 10 बराबर 0 दिया हुआ ना आपको, तो आप कहोगे x बराबर माइनस का 10, और x अगर माइनस का 10 है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया,
वाई स्क्वायर हो गया माइनस 80, वाई इज इक्वल्स टू निकालोगे तो ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है अंडर रूट में, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इमेजिनरी नंबर है इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पॉसिबल आंसर्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार आप ले लो x बराबर 18 और y बराबर प्लस का 12, यानी आंसर्स क्या हो रहे हैं आपके, आंसर्स जो हो रहे हैं वो है प्लस 18 और प्लस का 12 या प्लस 18 और माइनस का 12, ये दोनों आपके पॉसिबल आंसर्स हैं, यही आपका आंसर रिजल्ट के रूप में आपको मौजूद है। ठीक है, तो 18 बड़ा वाला नंबर है, x की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है, अब प्लस 12 ले लो या माइनस 12 ले लो, 18 से तो छोटी है ना, तो दोनों पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इसको हमने इमेजिनरी करार दिया है क्योंकि जब आप y निकालोगे बेटा अंडर रूट, किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। चलो यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन देखिए डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, ये आठवां क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर की यात्रा करती है किसी एक समान चाल से, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वो एक उसको एक घंटा कम लगते हैं, भाई अगर तेज चलेगी तो टाइम कम लगेगा, है ना। तो फॉर द सेम जर्नी उसी यात्रा के लिए फाइंड स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन की गति बताएं, तो जब ट्रेन की गति पूछी गई है आपसे तो हम उसकी गति ही एक्स मान लेते हैं। ठीक, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, तो ट्रेन की स्पीड आपने एक्स मान ली, तो आपको ये मालूम है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर का और स्पीड है एक्स, तो जो टाइम लगेगा उससे अगर यही 360 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज जाएंगे तो इस वाले में कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसमें कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक घंटे ज़्यादा टाइम लग रहा है। बन गई क्वेश्चन, ठीक है, फिर से देख लो, हमने कहा कि 360 डिवाइडेड बाई एक्स ये यूजुअल टाइम है, ये यूजुअल टाइम ज़्यादा है, 5 किलोमीटर पर आर अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो एक घंटे कम लगेगा, तो इससे और इसमें टाइम में डिफरेंस कितना है, एक घंटे का, ये किलोमीटर है बेटा, ये किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आर, बात समझ में आ गया होगा, ट्रेन भी एक्स किलोमीटर पर आर। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर देखो क्या हुआ, 360 एक्स प्लस 360 इंटू 5 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हमने ना सिर्फ मल्टीप्लाई किया बल्कि ब्रैकेट भी ओपन कर दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ से 360x से 360x खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। ठीक है, अब हमको 5x लाना है, 1800 को हमें इस तरह से दो टुकड़ों में ब्रेक करना है कि हमें ये आंसर जस्टिफाई हो जाए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1800 को प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप लोग देख सकते हो इस तरह से। ठीक, वैसे हमको ये मालूम है कि इसको हटा लें, 45 और 40, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x, क्योंकि 45 फोर द 180 होता है, 45 फोर द 180 होता है, तो हमने 45 और 40 ले लिया, 45 माइनस 40 माइनस 1800, एक चीज़ रह गई है और वो क्या है, बराबर 0। x कॉमन लोगे बेटा x प्लस 45 आएगा, माइनस का 40 कॉमन लोगे तो x प्लस 45 आएगा, और x प्लस 45 अगर कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो क्या बचेगा अगले ब्रैकेट में, x माइनस 40। अब किसी भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आप कहोगे कि इफ़ एक्स प्लस 45 इक्वल्स टू 0, मतलब हुआ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 45 किलोमीटर पर आर, नॉट एक्सेप्टेबल है ये पूरी तरह से, स्पीड कैसे नेगेटिव हो सकती है, आगे जाना है, जाना है हमको आगे की ओर, चले जा रहे हैं पीछे की ओर, इट्स नॉट पॉसिबल। अब हम कहेंगे कि इफ़ एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू 40, ये हो सकता है और यही स्पीड आपको बतानी है, यानी आंसर हमको मिल गया है, आंसर है 40 किलोमीटर पर आर।
चलिए ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए देखें बेटा, ये आ गया आपका सामने क्वेश्चन नंबर 9, है ना। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल नंबर 3/8 आवर्स। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि दो टैप्स हैं किसी वाटर टैंक में, दोनों मिलकर 9 होल नंबर 3/8 आवर्स में उसको पूरी तरह से भर देते हैं। जिसके जो बड़े डायमीटर वाला, जो बड़ा वाला टैप है, उसको 10 घंटे कम लगते हैं छोटे वाले टैप से। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब 10 घंटे कम लगते हैं किसको, बड़े वाले टैप को, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बड़े वाले टैप को, यानी लार्जर टैप को अगर एक्स आर्स लगते हैं, तो जो स्मॉलर टैप होगा उसको एक्स प्लस 10 आवर्स लगेंगे, ऐसा आपको मालूम है। ठीक है, तो लार्जर टैप अगर एक्स आर्स में भर सकता है तो इन 1 आवर क्या करेगा, ये 1/x पार्ट भरेगा, और ये वाला इन 1 आवर 1/x प्लस 10 पार्ट भरेगा। ये बात भी आप लोगों को पता है। ठीक, अब लार्जर और स्मॉलर दोनों मिलकर इसे 9 होल नंबर 3/8 यानी 8, 9, 72 और 3, 75/8 घंटे में भरते हैं। मतलब इन 1 आवर ये दोनों मिलकर बेटा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 8/75 पार्ट भरेंगे। और यही बात आपसे बताई जा रही है, एक घंटे में पहला वाला नल अगर 1/x भरता है और दूसरा वाला x प्लस 10, तो दोनों मिलकर 8/75 पार्ट भर देते हैं। बस ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर ऐसे पहले लिख लीजिए 2x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू 8/75। और उसके बाद 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 75 इक्वल्स टू 8x² प्लस 10x। यहाँ से काट दीजिए 2, 4 ज़ा 8, भैया 2 नीचे जाएगा ना अपॉन में, तो 2, 4 ज़ा 8 हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 75x प्लस 75 5 ज़ा 7, 5 35 और 2 37 375 बेटा ये मिल गया, इज इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 4x² प्लस 40x। सब कुछ इकट्ठा करना है, सब कुछ इकट्ठा करना है तो जिधर एक्स स्क्वायर उधर ही लेके जाना पॉजिटिव बनाने के लिए। 4x² प्लस 40x माइनस 75x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0 कह सकते हो, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको, तो क्या मिल गया हमको, 4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, इसको आप चाहो तो श्रीधराचार्य मेथड से मार्कर चेंज कर लो, जरा श्रीधराचार्य मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और साथ ही साथ आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो फैक्टराइजेशन वाला। श्रीधराचार्य बेटा मैंने इसलिए बोला क्योंकि ए पे भी कुछ है, बी और सी बड़े बड़े हैं। 375 इंटू 4 करके इसको फैक्टराइज कर लो, 35 लाना है। 375 इंटू 4 कितना होगा भाई, 375 3, 4 ज़ा 12, 1200 ये हो गया, और 75 4 ज़ा 300 1200 और 300 1500। तो 1500 को फैक्टराइज कर लो, 2 7 14 2 5 75 3 5 फिर 5 और फिर 5, तो लाना है 35। देखिए 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 और 5 5 ज़ा 25, 60 माइनस 25 35 आ गया ना। तो 4x² माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने 4x कॉमन ले लिया तो हमारे पास में बच गया x माइनस 15 प्लस 25 कॉमन ले लिया तो x माइनस 15
बराबर है जीरो के, x माइनस 15 बेटा कॉमन लोगे तो बच रहा है तुम्हारे पास में 4x प्लस 25 और ये बराबर है जीरो के। अगर अब लिखो अगर 4x प्लस 25 इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 4 जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है। तो अब क्या करोगे, इफ x माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, फिर कहोगे इसका मतलब क्या हुआ x इज इक्वल टू 15 जो कि एक्सेप्टेबल है, यानी लार्जर टैब को 15 घंटे लगते हैं तो स्मॉलर टैब जो होगा उसको 25 घंटे लगेंगे। x घंटे इसको लग रहे हैं यानी 15 घंटे 15 आवर्स, तो x प्लस 10 वाले को लगेगा 15 प्लस 10 यानी 25 आवर्स। तो आपका आंसर हो गया 15 आवर्स और 25 आवर्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आते हैं बेटा 10वें क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बंगलोर के बीच में एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है अगर 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए तो उसको पैसेंजर ट्रेन से एक घंटा कम लगता है। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द टाइम दे स्टॉप, वो मतलब बीच में जो स्टेशन पड़ रहे हैं उनका टाइम काउंट नहीं करना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, यदि एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी गति पैसेंजर ट्रेन की गति से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दोनों ट्रेनों की दोनों रेलगाड़ियों की औसत गति बतानी है आप। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है यार, अभी हम लोग कर चुके 360 किलोमीटर वाला, एक ही ट्रेन थी वो दो अलग अलग स्पीड से वही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, यहाँ दो अलग अलग ट्रेन है दो अलग अलग स्पीड से एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बात तो वही है ना, क्वेश्चन भी वही है। तो यहाँ पर अगर आपको दो ट्रेन की स्पीड बतानी है तो पहले छोटे वाले यानी पैसेंजर ट्रेन की मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड अगर x है तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है 11, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, अब इसके बाद की बात ये समझिएगा बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्यार से, वो ये है कि जो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर x किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाया जाए तो जो टाइम लगता है उस वाले टाइम से यही 132 किलोमीटर पर आर की x प्लस 11 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया है और ये डिफरेंस आपको बताया जा रहा है ये कितने घंटे का है, तो ये बिल्कुल उसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ही है, एक घंटे का, 1 आवर लेस है ना, एक घंटे का डिफरेंस है, इसको एक घंटे कम लगता है मतलब इसको एक घंटे ज़्यादा लगता है, सिंपल सी बात है। तो जिसको ज़्यादा लगता है वो पहले, जिसको कम लगता है बाद में, डिफरेंस आया 1। चलो शुरू हो जाओ भाई, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगले ही स्टेप में, तो इसको ब्रैकेट ओपन करो, क्या मिला 132 एक्स प्लस 11 इंटू 132 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। यहाँ से 132 एक्स प्लस माइनस का ख़त्म हो गया, अब आपको मिलेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 132 इंटू 11 कर लीजिए तो 132 आपको मिल गया 1452 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 1452 को अगर हम लोग ब्रेक करें 1452 फैक्टराइजेशन कर ले इसका, पहले 2 से 7 बार 2 फिर 2 फिर अब 3 11 और 11। ठीक है, तो देखो 2 टू द 4 लाना 11 है ना, तो 2 टू द 4 इंटू 11 कर लो, 4 इंटू 11 कर लो और 3 इंटू 11 कर लो, 4 इंटू 11 44, 3 इंटू 11 33 फैक्टराइज हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लो तो x प्लस 44
और जब बेटा x प्लस 44 कॉमन लोगे तो x माइनस 33 इज इक्वल टू ज़ीरो। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, पर क्या बताएं, लिखने का काम है भैया, लिखना पड़ेगा x प्लस, इफ x प्लस 44 इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब हुआ x इज इक्वल टू माइनस 44 नहीं हो सकता, x माइनस, एंड इफ x माइनस 33 इज इक्वल टू ज़ीरो x इज इक्वल टू 33, बस यही होगा। तो दोनों ट्रेन का बताना है, तो एक ट्रेन की स्पीड हो गई 33 किलोमीटर पर आर और दूसरी ट्रेन की स्पीड हो गई 44 किलोमीटर पर आर। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ, डिस्प्ले हो रहा होगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, दोनों वर्गों की भुजाएं बताएं। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम फिर से x और y दो वेरिएबल्स लेंगे भाई, ठीक है। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, एरिया होगा 4x square और पेरीमीटर हो जाएगा 4x, 4 इंटू साइड, साइड का स्क्वायर और 4 इंटू साइड, एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी y, तो इसका मतलब है कि इस दूसरे वाले जो स्क्वायर है उसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y। ये सारी बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। अब हमसे कहा जा रहा है कि एरियाज का जो सम है यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 468 दे रखी है, और कहा जा रहा है पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो है 24 मीटर, एंड 4x माइनस 4y ये दिया हुआ है 24। चलो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, 4 से काटोगे तो 4 सिक्स 24 यानी x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये x की वैल्यू x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई यहाँ लगा दो, या y इज इक्वल टू x माइनस 6 होगा, ये बात यहाँ पर लगा दो, y इज इक्वल टू x माइनस 6 रख लेते हैं ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, y इज इक्वल टू x माइनस 6, ठीक, y इज इक्वल टू x माइनस 6, ये वैल्यू y की यहाँ पे डाल दीजिए, x में इक्वेशन बनेगी, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाली है y की, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन आपके सामने आ गई है, x स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इज इक्वल टू 468, ठीक है, 2x स्क्वायर अभी प्लस 36 माइनस का 12x प्लस 36 और माइनस 468 इज इक्वल टू 0, कितना बचेगा देखो, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर 0, यानी x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, ये बेटा हमने सीधे सीधे 2 को डिवाइड कर दिया है पूरी एक्सप्रेशन में, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी एक्सप्रेशन को, ये वैल्यू मिल गई। अब हमको 216 लाना है, 6x के दो फैक्टर्स चाहिए, x स्क्वायर माइनस 216 के दो फैक्टर्स जो कि हमें ये वाली वैल्यू प्रोवाइड कर दें, यानी 6x, नहीं पता, चलो निकाल लेते हैं, 216 फैक्टराइजेशन फिर 3 से 9 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या लाना है, तो 2 × 4 = 8 × 24 और 3 × 9 नहीं हो रहा है, 2 × 4 = 12 और 3 × 9 = 18 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 18x और प्लस का 12x,
माइनस का 18x और प्लस का 12x, माइनस का 18x और प्लस का 12x माइनस 216 बराबर हो रहा है 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 18, 12 कॉमन ले लो तो x माइनस 18, और x माइनस 18 आप अगर कॉमन ले लोगे तो x प्लस 12 बराबर हो रहा है 0। तो x माइनस प्लस 12 तो ले नहीं सकते हम, पर लिखना तो भाई पड़ेगा। इफ़ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 12, नॉट एक्सेप्टेबल। फिर कहोगे इफ़ x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18, यानी कि हमको ये पता हो गया कि जो एक स्क्वायर है फर्स्ट स्क्वायर, उस स्क्वायर में क्या बताना है हमको, दोनों स्क्वायर्स की साइड बतानी थी ना। तो एक स्क्वायर हमको पता चल गया x है 18, उसकी साइड है 18, दूसरा यहाँ से निकाल लूँ। हमको मालूम है कि y इज इक्वल टू है x माइनस 6, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 6, तो y हो जाएगा 12। तो 18 मीटर और 12 मीटर ये हमारा आंसर है। और यहाँ से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है, ठीक है। 4.4 के साथ में, अगले वीडियो के साथ में मैं फिर एक बार मुखातिब होऊंगा आपके सामने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।